हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आप देख रहे हो अपना चैनल आरएमटी ट्रैवलिंग। तो मेरे साथ हैं जाहिद भाई और वकील साहिबा। तो कुछ भाइयों के कमेंट थे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़े का कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और क्या वो मान लो यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं हंगरी में, ठीक है, या फिर वर्क चेंज करके वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फूडोरा हो गया और भी कोई फूड डिलीवरी की कंपनी होगी, उसमें बात करते हैं आज। थैंक यू जी रोहित भाई, बहुत शुक्रिया आपका। योनो पुट की वानो आज किरदे शुवान ने की माइना पोन होज की इत वानक मजार और सागुन तार तो उसको नक वाज दिया कोक वाज वेंदिक मुंका वाज बार में एक अकी तुत हाथ नक एज यानी वाला कुछ जो की नीतनी नार्मल इशेन इश तुत हाथ नक दो गोल दिमित फुतार किंत Akinek már megvan az engedélye vállalkozóra, a vállalkozás alapján jövedelemszerző Igen, tartózkodási engedélye, igen. ők be fognak tudni adni vendég önfoglalkoztató célú engedélyt, ugyanazt a célt tudják tovább folytatni. तो सबसे पहले वो ये कह रही है कि जिनके पास ऑलरेडी यहाँ पे जो पुराने लोग हैं, जिनके पास ऑलरेडी वो वीज़ा जिसको हम आज़ाद वीज़ा भी समझ लें, या जो डिलीवरी के लिए ओपन वर्क परमिट जो है जिनके पास, वो आगे रिन्यू कर सकते हैं, नॉर्मली कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। Igen, parancsolj. Azonban akinek már ez a célú engedélye megvan, Igen. nem fog tudni változtatni a célon. Tehát, hogyha valaki bejön egy foglalkoztatási célú engedéllyel, Igen. ő más jogcímen engedélyt itt nem fog tudni kérelmezni Magyarországon. Csak foglalkoztatási célú engedélyt. अच्छा, अभी ना क्योंकि नए लॉ जो आए उसके मुताबिक अभी जो बंदे भी जिस जिस कैटेगरी में वो होंगे वो उसी कैटेगरी में ही आगे वीज़ा रिन्यू कर सकेंगे। उसमें भी इन्होंने थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कर दिया है कि उसमें वो आगे अपनी वो स्टेटस चेंज नहीं कर पाएंगे वो। Az még kérdéses, hogyha lejár ugye az első 3 éve, Igen. és új kérelemet az Igen. első 3 év után, ugye 45 nappal a lejárat Igen. előtt, mint új kérelem kérelmez, Igen. hogy akkor esetleg lehet-e mondjuk egy foglalkoztatóról vendégönfoglalkoztatót Igen. már újra kérelmezni. Ez még nem teljesen világos. Tehát, hogy amikor már lejár ugye a 3 év, mert ugye akkor a 3 év leteltével új kérelemként Igen. vizsgálja majd a hivatal. Tehát, mint új kérelem, hogy be fogja-e tudni adni ezt a vendégönfoglalkoztatót, ez még kérdés. Ezt még nem nagyon látom tisztán. अच्छा, वो ये कह रही है कि जो जो आगे बंदे काम करेंगे, यानी कि जिनके 3 साल पूरे हो जाएंगे यहाँ पे, 3 साल के बाद बेसिकली जो अभी जो नया लॉ है वो वाजिया नहीं है अभी तक, 100% श्योर नहीं है उसमें, तो उसमें वीज़े आगे शायद स्टेटस भी चेंज हो सके और वीज़ा भी रिन्यू हो सके। वो आगे की बात है, वो दूर की बात है, लेकिन क्योंकि अभी जो इनके नए लॉ इम्प्लीमेंट हुए हैं उसमें अभी तक 100% हर चीज़ वाजिया नहीं है, तो वो उस पे अभी काम कर रहे हैं। और क्योंकि अभी दिन ब दिन प्रोग्रेस बढ़ रही है, लोग वीज़े डाल रहे हैं, आगे लोग काम कर रहे हैं उस पे, लोग आएंगे भी जाएंगे भी और सिस्टम उसके मुताबिक चलेगा, लेकिन मेन चीज़ वो ये थी कि लोगों को ये बाहर वापस नहीं भेजेंगे। जो 3 साल के बाद पहले यह था कि 3 साल के बाद हम कंट्री छोड़नी पड़ेगी, वो कंट्री नहीं छोड़नी पड़ेगी, वो वीज़ा यहाँ हंगरी से भी रिन्यू हो सकता है अगर वो उस सेम कंपनी चाहती है कि इसका वीज़ा, तो वो यहाँ से ही हो जाएगा। जी जी सर, इसी में एक क्वेश्चन और था। तो मान लो जो हेल्पर में अभी और उसके पास कोई स्किल है, तो वो हेल्पर से स्किल में अप्लाई कर सकता है? उसका क्या प्रोसेस रहेगा? क्या उसका वीजा सक्सेस होगा स्किल में जाने के बाद? अखी इतवानक मजार और सागुन अखी अनस्किल होज मुंडा का की शगद मुंका वज एजेकेत आजो का तुत हाथना साक माइरा वज नेम तुत हाथना। Szakmai célú tartózkodási engedélyt lehet? Tehát, hogyha van valamilyen szakmai végzettségük, Igen. eredeti iratok itt vannak Magyarországon, az Igen. OFI lefordítja, Igen. akkor tudnak Kérelem szakmai verni. kérelmet beadni, persze. वो कह रही है कि जिनके पास फॉर एग्जांपल जो बंदा यहाँ पे आ गया, फॉर एग्जांपल हेल्पर के वीज़े पे आ गया और उसके उसके वो कोई काम जानता है, उसके पास कोई डिप्लोमा है, तो वो डिप्लोमा यहाँ हंगरी में इनका जो ट्रांसलेशन ऑफिस है वहाँ से ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा पहले। ओफी कहते हैं उसको, ओ एफ एफ आई, ओफी से ट्रांसलेशन होता है वो, और वो एक्सेप्टेबल है सिर्फ वहाँ से ही। और वो करवाने के बाद आप दोबारा नया वीज़ा डाल सकते हैं जिसको हम स्किल वर्कर कहते हैं,
तो उसमें स्किल वर्कर वीजा चेंज हो सकता है, इसमें कोई वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है जी। तो सर एक और छोटा क्वेश्चन था, मान लो हंगरी में कुछ, हंगरी में भी वीजे रिफ्यूज हुए हैं, मान लो किसी का रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, तो उन्होंने मान लो अपील डाली है, उसका कितना परसेंट चांस रहता है? मान लो कुछ भाइयों के इस पे भी कमेंट आए थे मेरे पास, ठीक है, कुछ कॉल फोन कॉल्स भी आई थी, तो इससे थोड़ा सा एक पूछ के बताएं कि उनके दिल में जो चल रहा है डरने वाली बात है, उसका क्या हो सकता है? अगमंजा कसी इतवाना मजारुल सागोल बेवन आदवा बाला की नेकवाना कीरा लंबे आदवा अजुमिंग नेम वाला सोल तक आज की विल ओ यानी श्वाना का की पहले पहल लपेल से पहल दौल उत्खना मिन तो मनीष ना किश बेवन आदवा वज ये ना के मुकेश मुकेश ना किश मान बे आदवा अरुल वन के जैसे मैं दी वार हाथ ना ईश हानि साजा लिगवान पॉजिटिव हो लहत का अपना अंगे दी। Hát azt tudom rá mondani, hogy tavaly volt, akinek aki egy évet várt az engedélyére, tehát olyan sokat, sajnos, mert olyan sok az engedélykérelem. Most csak márciusban 31 ezer kérelmet fogadott be a hivatal, mert már az ügyszámokból láttam, hogy a március 1-től 31 ezernél tart már az ügyek száma. Aki kintről jön, vagy aki Ez benti? így benti beadás. És ezen felüli még a kinti. Tehát egy hónap alatt Igen. már ennyi kérelem van a hivatalnál. Hogy ezt mikor fogják feldolgozni, ezt a rengeteg anyagot, nem tudom, nem tudok rá választ adni. वो कह रही है कि इस वक्त तक जो एक महीना इन्होंने काम किया, एक महीने में 31,000 से ज्यादा जो हंगरी के अंदर जो इन्होंने एप्लीकेशन है जिन पे काम किया 31,000, और उसके अलावा जो बाहर से हैं वो अलग हैं, जो बाहर से वो अलग हैं वो इसमें शामिल नहीं है, उन पे इन्होंने काम किया। और ये फिक्स ये नहीं बता सकती कि कब तक ही, यानी कि फिक्स टाइम तो नहीं बता सकती, लेकिन काम कर रहे हैं इसका मतलब है 31,000 पे काम अगर पिछले महीने किया तो 31,000 पे अगर अभी करेंगे तो फिर हो सकता है उसमें जो जिन बंदों के बाकी रहते हैं जिनकी अपील है बाकी पेंडिंग में है उनके भी जवाब आ जाएंगे जी। सर तो कुछ लड़कों के मेरे रिफ्यूजल लेटर भी दिखाए उन्होंने, कुछ का डिसीजन ऐसे डाल रखा है कि आपका रूम सही नहीं है रहने लायक, ठीक है, कुछ ऐसे कारण भी बता रखे हैं, और एक लड़के का और था, उसका बताया है कि आपको काम नहीं आता। बताओ अम्बेसी को कैसे पता है कि उसको काम आता है नहीं आता, ऐसे रीजन डाल रखे हैं उन्होंने। आजमंजा हो जो के तो दो लोग वन एजिक एम्बर में तो बेहद की रहन न कि आज वाल एलोताशी ताशोन हो न कि ओल सालाश है आज नेमियो ओ यान ईश वान माशिक ईश हो ज एज एम्बर की आकार में नि नेम तुद खात नेम तुजिया दो गुज नेम तुद खात या पैदा वाल एजिक मुंकारा यून आज मुंकार नेम तुजिया अकुर मित कैल चिनाल नि आहरा ओहरा एम्बर एक नेक मित कैल चिनाल नि। Nekem az a javaslatom, hogy aki a kezébe kapja a papírjait, tehát hogy ezt a paksamétát ad be a hivatalba, az kérdezze meg azt az embert, akitől ezt a papírt, ezt a paksamétát kapta, hogy a foglalkoztatója, a cége, aki ezt küldi, milyen feltételekkel fogja őt foglalkoztatni, mit tud, hogy kérdezzen utána a körülményekre, és csak olyan embertől fogadjon el beadványt, vagy ilyen kérelmet, amit ő majd beadhat később, aki tájékoztatja őt ezekről a dolgokról, aki elmondja neki, hogy figyelj, ez lesz a fizetésed, itt fogsz lakni, így fogsz munkába járni, kérdezzenek, tájékozódjanak. Ez nem csak egy papírmunka, ez nem csak egy papír, amit beadunk, aztán majd jön valami engedély, hanem azt vizsgálja a hivatal, hogy valóban az az ember, aki beadja a kérelmet, tudja-e, hogy miért jön, hogy hova jön, hogy kihez jön. Nem csak az a célja, hogy pusztán bejöjjön a Schengen határon, és akkor itt majd valahol tengleng, csavarog, és azt se tudja, hova kell mennie. अच्छा वो ये कह रही है कि बेसिकली जो बंदे जब इंटरव्यू देते हैं ना तो जब वो पेपर भेजे जाते हैं उसमें लिखा होता है कि बंदे का काम क्या है, बेसिकली फिक्स काम होता है जिस काम के लिए वो बंदा आता है ना, वो जिस काम के लिए आता है उस बंदे को अगर उसका नॉलेज नहीं है और उस या तो हो ना कि अगर कंपनी लिखती है कि हम यहाँ पे सिखा देंगे तो फिर चल सकता है, क्योंकि कंपनी के दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं साइन होते हैं, एक होता है कि ये बंदा हंगरी में आएगा
हमें बंदे चाहिए, और बंदा जब यहाँ पे आएगा हम उसको 2 महीने में 3 महीने में पहले सिखा लेंगे काम, उसके बाद वो बंदा काम करेगा, एक ये होता है। और जब वो इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देते हैं और उसके अंदर मेंशन कुछ और होता है और इंटरव्यू में बंदा कुछ और दे रहा होता है, हो सकता है वहां पे लिखा होगा कि पहले बंदा वहां पे जाएगा, लर्निंग करेगा, थोड़ा सीखेगा काम, 1 महीना लगेगा, 1 महीने के बाद वो काम करेगा वहां पे, तो मुझे बंदे ने कुछ और बताया होता है और आगे कुछ और होता है, इस वजह से भी रिफ्यूजल ज्यादा आते हैं इस वजह से भी। और वो ये एक और ये कह रही है कि इमिग्रेशन वाले ये भी देखते हैं कि ये बंदे सिर्फ शिंगन जोन में इंट्रो होने के लिए आ रहे हैं या किस लिए इनका, क्योंकि वो जब इंटरव्यू लेते हैं तो उनका रोज का काम है, उनको पता होता है कि ये बंदे यहाँ पे आ रहे हैं सिर्फ शिंगन जोन में इंटर होने के लिए आ रहे हैं या सही काम वाले बंदे हैं। जी Arra kíváncsi a hivatal, hogy tényleg, ami a papírok mögött van, amit a papírba ami le van írva, az a valóságban is meg fog-e történni, meg fog-e valósulni. Tényleg azért jön-e be valaki, hogy dolgozni akar, hogy pénzt akar keresni, hogy itt legális szabályoknak megfelelően tartózkodjon. वो ये कह रही है कि जो पेपर जाते हैं उसमें लिखा होता है कि वो भी इसी में ही देख रहे होते हैं कि ये बंदे वाकई यहाँ पे काम करने के लिए ही आ रहे हैं या किसी और चक्कर में आ रहे हैं, कई क्योंकि इसमें बीच में एजेंट माफिया भी होता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो ये देखते हैं, जो इमिग्रेशन वाले हो गए वो ये देखते हैं कि ये बंदे वाकई किसी कंपनी को देखते हैं, ये बंदे वाकई काम के लिए ही आ रहे हैं यहाँ पे या क्यों आ रहे हैं, उनको अगर डाउट होता है या शक होता है तो वो उनके रिजेक्शन होती है उनकी ज़्यादातर। ठीक है भाइयों, हमारे साथ जुड़ने के लिए पेज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हम जल्द ही आपको एक नई वीडियो में मिलेंगे अपने कश्मीरी ऑफिसल, ठीक है, हंगरी सर चैनल में बताएं सर अच्छा अपने चैनल का नाम बताएं। छोड़े चैनल को जनाब, आप दोस्तों का सब देखने का बहुत शुक्रिया। नौजवान से पन कुसुम हो जोते इश मैं कपनों की चिति दो इश हो तुझो का वाला मीरा ताई को तो अपनी की हार मंदी को साग बेली है मेरे नेक तैश हा वाला मिया पर कुछ ना तो तैश मगा तो लिश अंगुल लिश लेजेंसी वेश। See you soon. Goodbye. थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी इनका भी और आप देखने वालों का और सुनने वालों।